एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई और बाइक रैली तिरंगा यात्रा के माध्यम से बाइक रैली और भी तिरंगा यात्रा निकाली गई और लगभग 5 किलोमीटर की पैदल तिरंगा यात्रा रानी अवंती बाई जी की जयंती के अवसर पर हम सब ने निकाली और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम दमोह में संपन्न हुआ। क्योंकि हम अपने अमर शहीदों को याद करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर देशभक्ति की ज्वाला धधकती है और कहा भी गया है कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। ऐसी रानी अवंती बाई के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए ये कार्यक्रम हुआ और एक रानी अवंती बाई लोधी के ऊपर एक नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई और ये अभी शुरुआती दौर में संस्कृति विभाग के द्वारा ये जो कार्यक्रम है किया गया, इसको और भी अच्छा बनाएंगे और पूरे प्रदेश स्तर पर रानी अवंती बाई का ये जो नाटक का मंचन है ये पूरे प्रदेश स्तर पर हो, इसके लिए भी प्रयास करेंगे। रानी अवंती बाई लोधी के अवसर पर हम सभी लोगों ने, खासकर सर्व समाज, सर्व वर्ग और सभी नेताओं ने, सभी दलों के नेताओं ने मंच साझा करके बनाया है। संदेश केवल एक यही है कि आजादी के पहले हम लोग तलवार से लड़ते थे और अब आजादी मिल गई है और यदि हमें सच्ची आजादी जीवन में चाहिए है तो हमें पढ़ के लिख के कलम चला के वो लेनी पड़ेगी। और जब समाज में किसी आयोजन को, किसी चीज को जब सफल करना रहता है तो जब सर्व समाज की उसमें सहभागिता होती तभी वो आयोजन भव्य और दिव्य होता है। आज का ये आयोजन माँ वीरांगना के चरणों में सच्ची श्रद्धा सुमन है और मैं कामना करता हूं कि सभी लोग अपने संकल्प में सफल हो, ऐसी मां वीरांगना से मैं प्रार्थना। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।